हाय दोस्तों, क्यूरेंटिव ग्रुप में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां आपको आपकी सभी बीमारियों के लिए होम्योपैथिक सॉल्यूशन दिया जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टमक डिसऑर्डर्स, पेट की बीमारियों के बारे में। बहुत कॉमन बीमारी है पेट की, जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं। दोस्तों, एसिडिटी होती है ज़्यादा एसिड सिक्रीशन की वजह से, जो हमें बॉडी में नजर आती है। ज़्यादा एसिड सिक्रीट तभी होता है जब हम स्ट्रेस, तनाव ज्यादा महसूस करते हैं। जब भी स्ट्रेस होता है, हमारे ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स ज्यादा एसिड सिक्रीट करते हैं, जिसका असर हमारे स्टमक लाइनिंग पे, हमारे स्टमक पड़ता है। मुंह से लेके स्टमक तक सभी पार्ट जलने लगता है, जलन महसूस होती है। दोस्तों, इसका बहुत कॉमन रीजन है मसालेदार खाना, दूसरा रीजन है बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, तीसरा रीजन है टाइम पे ना खाना खाना, और चौथा रीजन ये है हमारा लाइफस्टाइल, मतलब हमारी हम टाइम पे नहीं सो पाते हैं, हम टाइम पे नहीं उठ पाते हैं, वो भी एक कारण है एसिडिटी का। एसिडिटी हैवी मेडिसिन की वजह से भी हो सकती है। जैसे मेरी पुरानी वीडियोस में आप देख सकते हैं, मैं बहुत स्ट्रेस देता हूं, मैं बहुत एम्फेसिस देता हूं, बहुत जोर देता हूं कारण पे बीमारी के। जब तक हमें कारण पता नहीं चलेगा, तब तक हम बीमारी ठीक नहीं कर पाएंगे। पहला कॉज तो एसिडिटी कॉज, जैसे हमने जाना, बहुत तला हुआ, बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाना, बहुत मसालेदार खाना खाना, टाइम पे ना सो पाना, टाइम पे ना उठ पाना, टाइम पे खाना ना खा पाना, और स्ट्रेस, तो ये कारण। अब इलाज की बात करें तो जो होम रेमेडीज आप यूज कर सकते हैं इलाज के लिए, वो है छाछ, वो है खाना खाने से 20-25 मिनट पहले नींबू पानी, वो है कच्ची लस्सी। लेकिन दोस्तों, अक्सर अगर आप देखें तो ये सब एक टेम्परेरी इलाज की फॉर्म में नजर आते हैं। अगर आपको परमानेंट इलाज चाहिए तो इसके लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन ही आपको हेल्प कर पाएगी। लेकिन क्लासिकल होम्योपैथी की बात करें, या अगर ऐसी बात करें कि होम्योपैथी से जड़ से इलाज करना है, तो उसके लिए केस हिस्ट्री, उसके लिए केस शीट, उसके लिए प्रॉपर केस हिस्ट्री लेनी पड़ती है डॉक्टर को। वो केस हिस्ट्री के बाद हम इंडिविजुअलाइज करेंगे, उसको हम असेस करेंगे, और ये देख पाएंगे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एसिडिटी किस इंटेंसिटी की हो रही है, और इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ऐसी क्या मेडिसिन दी, ऐसी कौन सी मेडिसिन दी जाए ताकि उसकी एसिडिटी ठीक हो सके। दोस्तों, किसी कारण से अगर एसिडिटी ठीक नहीं हो पाती है, इसका सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता है, तो यही एसिडिटी आगे चल के आपको स्टमक में अल्सर्स की डिसीज दे सकती है, जिसको हम गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर का बहुत कॉमन सिम्टम है भूख ना लगना, दूसरा कॉमन सिम्टम है पेट में जलन होना और पेट में पेन रहना, तीसरा वेट लॉस। दोस्तों, तीसरी हम बात करने वाले हैं पाइल्स के बारे में। पाइल्स, हेमरॉइड्स या बवासीर, एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर हमें कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की वजह से रहती है। कब्ज या बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाना, या अगर हम टाइम से खाना नहीं खा पाते हैं और फ्रेश नहीं हो पाते हैं, ये भी एक कारण है। और चौथा कारण जो हमने देखा है रिसेंट मेडिकल सर्वे में, मेडिसिन, हैवी मेडिसिन, हैवी मेडिसिन की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन, या हैवी मेडिसिन की वजह से भी पेट में गर्मी रहती है, जिसका असर हमें पाइल्स की फॉर्म में नजर आता है। दोस्तों, पाइल्स के लिए अक्सर डॉक्टर्स आपको सर्जरी रेकमेंड करते हैं, बट होम्योपैथी की माने तो सर्जरी की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन से इसका परमानेंट क्योर हो सकता है। जैसे मैंने बताया, आपको एक केस हिस्ट्री प्रोवाइड की जाएगी, केस हिस्ट्री भरनी होती है, आपको एक केस डिटेल प्रॉपर देनी होती है, उसके बाद ही एक होम्योपैथिक सोल्यूशन दिया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना पेट की बीमारियों के बारे में। हमारे और वीडियोस हम प्रेजेंट करते रहेंगे। आपका धन्यवाद लाइक करने के लिए, आपका धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए, आपका धन्यवाद शेयर करने के लिए वीडियो। अगर आपको पेट की बीमारी के अलावा भी और कोई प्रॉब्लम है, तो आप डेफिनेटली हमारे फेसबुक पेज क्यूरेंटर पर जा सकते हैं, और वहाँ आप अपने हेल्थ इश्यूज़ को पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट करने के बाद हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स उसको रिव्यू करेंगे और आपको एक राइट होम्योपैथिक सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू।